हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। तीन राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। लेखपाल एसडीएम की भूमिका सत्यापन में समाप्त होगी। सरकारी कर्मी की मृत्यु के बाद गोद लिया गया बच्चा पेंशन का हकदार नहीं। भाजपा मदरसों का भी द्वार खटखटाएगी। सीबीएसई के शिक्षकों को पाले में लाने की तैयारी। शिक्षकों के चयन के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द। निपुण ब्लॉक बनाने में शिक्षकों का अहम रोल। यूपी में दाखिले बढ़ने से 97 बच्चे जाने लगे स्कूल। शिक्षा पर मेहरबान होगी केंद्र सरकार। बजट में खास घोषणाएं कर सकती है सरकार। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से कि इसमें नहीं है यूट्यूब चैनल पर। चुनाव आयोग ने आज यानी 18 जनवरी को तीन राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। वहीं तीनों राज्यों के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने पूर्वोत्तर के तीन राज्यों के चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों की घोषणा की। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही तीन राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। नागालैंड विधानसभा का कार्यकाल 12 मार्च को समाप्त हो रहा है। वहीं मेघालय और त्रिपुरा की विधानसभाओं का कार्यकाल 15 और 22 मार्च को समाप्त हो रहा है। तीनों राज्यों की विधानसभाओं में 60-60 सीटें हैं। तीनों राज्यों में एक एक चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। त्रिपुरा में जहां बीजेपी की सरकार है, वहीं नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सत्ता में है। मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी की सरकार है। एनपीपी पूर्वोत्तर की एकमात्र पार्टी है जिसे राष्ट्रीय दल के तौर पर मान्यता हासिल है। तीन राज्यों में 2.23 लाख नए वोटर। आयोग ने हाल ही में तीनों राज्यों का दौरा किया था। आयोग ने कहा कि पिछले चुनाव में कोई हिंसा नहीं हुई। आयोग इसके लिए प्रतिबद्ध है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। हमने तीनों राज्यों के अधिकारियों से यह कहा कि पहली बार तीन राज्यों में चुनाव 1.7 लाख से अधिक मतदाता होंगे। हमने उन लोगों के लिए एडवांस नोटिस का प्रावधान बनाया है जो 17 के हो गए हैं लेकिन 18 साल के नहीं हुए हैं, ताकि 18 साल का होते ही उन्हें वोटर कार्ड मिल जाए और उनका नाम जुड़ जाए। इन तीन राज्यों में ऐसे 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। आयोग ने कहा है कि महिलाओं की भागीदारी तीन राज्यों के चुनाव में ज़्यादा रही है। यह तीनों राज्य इस मामले में मिसाल हैं। 376 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनकी जिम्मेदारी महिलाएं निभाएंगी। सभी बूथ पीडब्ल्यूडी फ्रेंडली होंगी। पैरामिलिट्री तीनों राज्यों में पहुंच गई है। आयोग धन बल और ड्रग्स के सख्त खिलाफ है। नागालैंड मेघालय और त्रिपुरा में संयुक्त रूप से 62.8 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या 31.47 लाख और विकलांग मतदाताओं की संख्या 31,700 शामिल है। नागालैंड विधानसभा का कार्यकाल 12 मार्च, मेघालय विधानसभा का 15 मार्च और त्रिपुरा विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च को समाप्त हो रहा है। ऐसे में तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2018 में तीनों राज्यों में 2 चरणों में चुनाव हुआ था। पहले चरण में 18 फरवरी को त्रिपुरा में, तो दूसरे चरण में 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड में वोटिंग हुई थी। 3 मार्च 2018 को नतीजे आए थे। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए आज तारीखों का ऐलान कर दिया है। तीनों राज्यों में पिछली बार की तरह 2 चरणों में चुनाव होंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, तो वहीं नागालैंड और मेघालय में एक साथ 27 फरवरी को वोटिंग होगी। तीनों राज्यों में 2 मार्च को नतीजे आएंगे। त्रिपुरा में जहाँ बीजेपी की सरकार है, तो वहीं मेघालय और नागालैंड में बीजेपी सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। तीनों राज्यों में पिछले साल फरवरी में ही वोटिंग हुई थी। तीनों राज्यों में 60 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए 31 का आंकड़ा चाहिए। लखनऊ प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की पारिवारिक लाभ, सामूहिक विवाह, वृद्धावस्था पेंशन आदि योजनाओं में आवेदकों और लाभार्थियों के मौके पर सत्यापन के काम में अब जल्द लेखपाल और एसडीएम की भूमिका खत्म होगी। साथ ही सुपरवाइजर को फील्ड में जाकर सत्यापन कार्य करने के लिए लैपटॉप व दबंगों माफियों से निपटने के लिए लाइसेंसी असलाह दिया जाने का भी प्रस्ताव है। इस बारे में प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण के निर्देश पर संयुक्त निदेशक आरपी सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी भी गठित करवा दी है। विभाग इस बारे में जल्द शासनादेश जारी करेगा। अक्सर देखा जा रहा है कि प्रमाण पत्रों का सही ढंग से सत्यापन किए बगैर उन्हें लेखपाल की संस्तुति से एसडीएम द्वारा अग्रसारित कर दिया जा रहा है। जल्द ही पारिवारिक लाभ योजना का व सामूहिक विवाह योजना के लिए प्रमाण पत्रों का सत्यापन ऑनलाइन होगा। तहसील स्तर पर तैनात सुपरवाइजरों का सत्यापन का अधिकार मिलेगा। उनको पदनाम सोशल वेलफेयर इंस्पेक्टर किया जाएगा। इस साल 9 विधानसभा चुनाव, इस साल इन तीन राज्यों के साथ साथ कुल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इनमें कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम शामिल हैं। इस साल होने वाले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा में यूपी में अपने विजय रथ को किसी पड़ाव पर रुकने नहीं देना चाहती है। पार्टी का फोकस फिलहाल शिक्षक और स्नातक कोटे की खाली सीटों पर हो रहे चुनाव पर है। इसके लिए व्यापक व्यूहरचना की गई है। एक ओर पार्टी की नज़र पहली बार वोटर बने सीबीएसई स्कूलों के शिक्षकों पर है, वहीं दूसरी ओर जीत के लिए पार्टी मदरसों का द्वार भी खटखटाएगी। सरकारी अनुदान लेने वालों के साथ ही पंजीकृत मदरसों के शिक्षकों से भी संपर्क कर समर्थन मांगा जाएगा।
प्रदेश में शिक्षा को स्नातक खंड की 5 रिक्त सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। इनमें 3 सीटें खंड स्नातक की और 2 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की हैं। स्नातक कोटे की सीटें तो पहले से भाजपा के पास थी, जबकि शिक्षक कोटे की दोनों सीटों पर शिक्षक संगठनों का कब्जा था। अब भाजपा शिक्षकों के बीच पैठ बढ़ाकर इन सीटों को भी जीतना चाहती है। प्रत्याशी तो अपने स्तर से जुटे ही हैं। पार्टी ने अपने स्तर से भी हर वोटर तक पहुँचने के लिए रणनीति तैयार की है। सांसद विधायकों की जिम्मेदारी तय की गई है। सरकारी शिक्षकों से संपर्क करने के अलावा वित्तीयहीन शिक्षकों को अपने पाले में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पार्टी ने प्रत्याशी तय करने में भी इसका ध्यान रखा है। वहीं मदरसा शिक्षकों से समर्थन मांगने में पार्टी कोई परहेज नहीं करेगी। पार्टी का मानना है कि मोदी योगी सरकार की बिना भेदभाव के तमाम योजनाओं का लाभ सभी को दिया है। लाभान्वित होने वालों में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक भी हैं। ऐसे में उनसे भी चुनाव में सहयोग और समर्थन मांगा जाएगा। नई दिल्ली पेट्रू सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सरकारी कर्मचारी पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा द्वारा गोद लिया गया बच्चा पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 8 व 12 हिंदू महिला को पुत्र या पुत्री को गोद लेने का अधिकार देती है। हालांकि ऐसा वह अपने पति की सहमति से नहीं कर सकती है, लेकिन विधवा व तलाकशुदा महिला के मामले में ऐसी कोई शर्त नहीं है। जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस बीबी नागरत्ना की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 30 नवंबर 2015 के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के नियम 54(14)(b) के तहत कर्मचारी की विधवा द्वारा गोद लिया गया बच्चा पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं होगा। इस प्राविधान का मकसद परेशानी में आ गए पुत्र को 25 वर्ष की आयु तक और अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री को मदद उपलब्ध कराना है। बेसिक माध्यमिक उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रस्तावित इस एकीकृत आयोग में अध्यक्ष सहित 11 सदस्य राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किए जाएंगे। आयोग के गठन के लिए प्रस्तावित विधेयक के प्रारूप पर शासन स्तर पर मंथन जारी है। आयोग का अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो जिसने राज्य सरकार के प्रमुख सचिव या समकक्ष पद धारण किया हो या किसी विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हो या किसी विश्वविद्यालय का न्यूनतम 10 वर्ष तक आचार्य रहा हो और उसके पास कम से कम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव रहा हो। अध्यक्ष का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक या 5 वर्ष जो भी पहले हो तक होगा। वहीं सदस्य ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाएगा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य रहे हों या जिसने राज्य सरकार के अधीन सचिव का पद या कोई अन्य समकक्ष पद धारित किया हो। एक सदस्य न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीश स्तर का होगा। सदस्यों का कार्यकाल भी अध्यक्ष के समान प्रस्तावित है। बीते दिनों स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक भर्ती के लिए एकीकृत व्यवस्था की जरूरत बताई थी। उन्होंने निगमित निकाय के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का निर्देश दिया था। CBSE को पाले में लाने की तैयारी। CBSE बोर्ड के शिक्षक इस बार विधानसभा परिषद चुनाव में मतदान करेंगे। भाजपा की नज़र उनके वोट पर भी है। केंद्रीय बोर्ड से संबंधित होने के नाते इन शिक्षकों की यूपी सरकार से कोई शिकायत भी नहीं है, ना ये लोग या शिक्षक संगठनों से संबंधित किसी गुट के प्रभाव में है। लिहाजा भाजपा इन शिक्षकों को अपने पाले में खींचने के लिए पूरी शिद्दत से जुट गई है। यूपी में बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से सुधार हुआ है। निजी स्कूलों के अपेक्षा सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़े हैं। यूपी में पिछले 15 सालों में जहां 95% ही बच्चे स्कूल जाते थे, वहीं वर्ष 2022 में यह आंकड़ा 97% तक पहुंच गया है। स्कूलों में नामांकन की स्थिति एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर वर्ष 2022 में यह जानकारी दी गई है। असर ने यूपी के 70 जिलों के 2096 गाँव के 41,910 घरों का सर्वे किया। इनमें से 3 से 16 वर्ष की आयु के 91,158 बच्चों को शामिल किया गया। यूपी में 6 से 14 वर्ष के बच्चों का नामांकन 2018 में 95.2% बढ़ाकर 2022 में 97.1% दर्ज किया गया है। यह पिछले 15 सालों की तुलना में सबसे अधिक रहा। सरकारी स्कूलों में वर्ष 2006 से 2014 तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों के नाम लिखाने के अनुपात में लगातार गिरावट देखी गई। वर्ष 2014 में यह 64.9% था। अगले 4 सालों में इसकी अधिक बदलाव नहीं हुआ, लेकिन 2022 में बढ़ोतरी हुई और यह 72.9 हो गया। यूपी में निजी की अपेक्षा सरकारी स्कूलों में दाखिले का प्रतिशत बढ़ा है। लखनऊ बेसिक शिक्षा और बाल विकास पुष्टाहार का सामूहिक कार्यक्रम हमारे आंगन हमारे बच्चे ब्लॉक सभागार में बुधवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम में CDO रिया केजरीवाल ने कहा कि BKT ब्लॉक को निपुण ब्लॉक बनाने के लिए शिक्षकों का अहम रोल है। उत्तर प्रदेश उप शिक्षा निदेशक अमरेंद्र सिंह AD बेसिक श्याम किशोर तिवारी ने प्राइमरी शिक्षा पर प्रभावी कार्य के लिए प्रेरित किया। केंद्र सरकार इस बार बजट में समग्र शिक्षा अभियान सहित पूरी स्कूली शिक्षा के लिए खास घोषणाएं कर सकती है। इस बार स्कूली शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के लिए 15% तक बढ़ोतरी को उम्मीद शिक्षा विभाग को है। विभिन्न योजनाओं में बजट आवंटन की बढ़ोतरी के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। खासतौर पर आधारभूत संरचना को दुरुस्त करने और कोविड के दौरान स्कूलों पर पड़े असर से उभरने की कोशिश बजट में नजर आ सकती है। जानकारों का कहना है कोविड के दौरान स्कूल बंद होने से बड़ी संख्या में छात्रों को कोविड-19 के प्रभाव में स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इससे बच्चों को सीखने की क्षमता पर भी असर पड़ा। पिछले 2 वर्षों में केंद्रीय बजट में शिक्षा के लिए आवंटन को जानकारी में पर्याप्त नहीं माना था। इस बार हर तरफ से स्कूली शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं में बढ़ोतरी का दबाव बढ़ा है। सूत्रों के अनुसार समग्र शिक्षा अभियान के बजट में बढ़ोतरी के साथ अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा पर भी बजट में तवज्जो दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों मद में बजट आवंटन 2021-22 में 250 करोड़ था, जो 2022-23 में घटकर 127 करोड़ रह गया। समग्र शिक्षा अभियान में पिछले बजट में भी बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसका जमीनी स्तर देखने को नहीं मिला। इस वर्ष SMA
एसएस को एनईपी 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ज़्यादा बजट मिलने की उम्मीद है। लड़कियों के दाखिले बढ़े, प्रदेश में वर्ष 2006 में 11 से 14 की 11.1% लड़कियाँ स्कूल नहीं जा रही थी, वर्ष 2018 में घटकर 7.4, 2022 में 4.1 रह गया, जबकि अन्य राज्यों में 8% और भी कम है। इसके इतर 15 से 16 साल में 15% नहीं जा रही हैं। यूपी में पाठ पढ़ने का औसत भी बढ़ा। सरकारी व निजी स्कूलों के कक्षा 3 के बच्चे जो वर्ष 2018 में पाठ पढ़ने का औसत 27.3 था, जो 2022 में गिरकर 20.5 हो गया, लेकिन यूपी में वर्ष 2018 में यह 28.3 था, जो 2022 में 24 हो गया। सरकारी स्कूलों में यह आंकड़ा बढ़कर 16.4% हो गया। घरों या कोचिंग में ट्यूशन पढ़ना अधिक पसंद। ट्यूशन लेने के चलन में तेजी से इजाफा हुआ है। स्कूलों के अलावा बच्चे घरों या कोचिंग में ट्यूशन पढ़ना पसंद कर रहे हैं। ग्रामीण भारत में कक्षा 1 से 8 तक बच्चों में ट्यूशन लेने की वृद्धि देखी गई है। सरकारी या निजी स्कूलों में वर्ष 2018 से 2022 के बीच यह अनुपात दोनों में बढ़ा है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।